हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारे इंडियन नेशनल टीम के कोच इगोर सिमेंच खुश नहीं है AIFF और FSGL से। क्या है रीजन इसके पीछे, इस वाली वीडियो में बात करेंगे। और भाई ISL कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक एंड होगा बात करेंगे। और जो तीसरा टॉपिक है, जी हाँ दोस्तों, गुरप्रीत सिंह सांडू, उनका जो फॉर्मर यूरोपियन क्लब था, उनको फिर से ऑफर मिला था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और क्या रीजन है, पूरा डिटेल्स क्या है, ये तीनों टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। तो पहले बात करते हैं हमारे लॉर्ड इगोर सिमेंच के बारे में। तो आप सभी को बताए कि अभी रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था मैच जीतने के बाद। तो मैच जीतने के बाद इगोर मैच ने बोला था कि भाई देखो, हम लोग को बड़ा कैंप्स दोगे, लॉन्गर कैंप्स दोगे, मतलब बड़ा टाइम दोगे हम लोग को प्रिपेयर करने के लिए, तो आपको भी मजा आएगा हमें देखने के लिए एंड हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, हम लोग अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। एंड अगर समझो कुछ ऊपर नीचे होता है तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल कि चलो हम लोगों ने गंदा खेला तो इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। एंड हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप लोग को एक अच्छा गेम दिखाने के लिए। एंड देन फिर बाद में उसके ऊपर मतलब बहुत सारे जो सीनियर प्लेयर्स है जैसे कि अनिरुद्ध थापा हो गए, संदीप जिंगन हो गए, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई, ये जो लॉन्गर कैंप्स है ना, वो हम लोग को सच में हेल्प करते टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स एंड आप लोग के सामने एक अच्छा गेम प्ले दिखाने के लिए। लेकिन अभी बात चल रही है, आप सभी को पता है कि ISL भी चालू होगा हमारा। एंड साजिद प्रभाकरन जी ने बोला कि ये जो मतलब ये एक वन मंथ का तो एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, क्योंकि इगोर सिमेंच मतलब आप बोल सकते कि चार हफ्ते का मांग कर रहे कि बिकॉज एशियन कप जनवरी में है और उसके पहले कम से कम चार हफ्ता का तो टाइम मिलना ही चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर साजिद प्रभाकरन जी ने बोला कि यार ये पॉसिबल नहीं होगा, हम लोग स्टिल वेट कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं कि ISL का फिक्स्चर्स कब आएगा। और एक बार ISL के फिक्स्चर्स आ जाते हैं, एक बार शेड्यूल हो जाते हैं, तब हम लोग डिसाइड कर सकते कि कैसा कितने टाइम तक हमें प्रिपेरेटरी पीरियड मिलेगा, या तो दो हफ्ता या तो तीन हफ्ता या तो चार हफ्ता, देखना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने तीनों फीफा इंटरनेशनल विंडोज जो अभी इसके बाद आएंगे, जैसे कि किंग्स कप हो जाएगा, किंग्स कप, फिर मैडेगा कप और जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइज, तो वो तीनों ऑक्यूपाइड है एंड हम लोग तीनों सही से यूज करेंगे। और मतलब ऐसा नहीं कि भाई वेस्ट जाएंगे, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉसिबल, ऑब्वियसली इंपॉसिबल कि इतना बड़ा टाइम देने के लिए। अभी यहाँ पर आप बोल सकते कि यार इगोर सिमेंच ने ये भी बोला कि अगर हम लोग को लंबा पीरियड नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्रिपेयर करने के लिए एशिया कप के लिए, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि भाई चलो कुछ अगर हम लोग हार गए तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं देंगे। अभी ये सेंटेंस थोड़ा सा चाइल्डिश है, तो अनप्रोफेशनलिज्म लग रहा है, बट यार आई कैन अग्री क्योंकि देखो इगोर सिमेंच ने बताया कि अगर आप उसको लॉन्गर टाइम दोगे, मतलब सात से आठ हफ्ता, अभी ये लोग आप देख सकते हो कि इतना प्रिपेयर कर रहे थे इंटरकॉन्टिनेंटल कप के लिए और साफ कप के लिए, तो आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग को रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो आप बोलते कि यार उसका भी सही है कि यार अगर आप लॉन्गर पीरियड दोगे तो हम लोग अच्छे से रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है। एंड इसके चलते ISL के बारे में, जी हां दोस्तों, ISL स्टार्ट होने वाले लेट सितंबर से, तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर स्टार्ट होगा एंड बीच में एक मंथ या तो कि जितना भी वो प्रिपरेशन टाइम देगा वहां पर ISL नहीं होगा, बिकॉज वहां पर हमारे इंडियन नेशनल टीम प्रिपेयर करेगी। अब देखते हैं कि कितना टाइम मिलता है उसके ऊपर। और ये जो चलेगा ISL चलेगा अप्रैल तक, बिकॉज ऑब्वियसली एक मंथ का डिले रहेगा, तो सितंबर से लेकर अप्रैल तक आप बोल सकते कि ये 5-6 महीना चलेगा ISL। तो ये तो हो चुका है। अब बात करेंगे गुरप्रीत सिंह सांडू पाजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वंस अगेन नॉर्वे क्लब स्टेबेक FC, जहां पर वो पहले खेलते थे। तो अगर पहले के बारे में बात करें, तो उन्होंने अगस्त 2014 में 3 साल का डील साइन किया था एंड वहां पर आप बोल सकते कि वहां पर वो बने थे फिफ्थ इंडियन प्लेयर टू प्ले इन द यूरोप। उन्होंने UEFA यूरोपा लीग के जो क्वालिफाइंग मैचेस है उसके लिए खेला था एंड इट वाज मतलब फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन द यूरोपा लीग क्वालिफायर्स एंड फिफ्थ इंडियन टू प्ले इन द यूरोप। एंड अगर आप बात करेंगे इसका पीछे पूरा प्रोसेस क्या है, तो ये जो स्टेबेक FC नॉर्वे का जो टॉप डिविजन क्लब है, तो उन्होंने जनवरी में अप्रोच किया था एंड ऑफर किया था डील टू बिकम नंबर वन गोलकीपर। तो ऐसा नहीं किया मैं आपको साइन करवा एंड आप सेकंड गोलकीपर या तो थर्ड गोलकीपर, मतलब स्टेबेक FC ने ऐसा ऑफर दिया था गुरप्रीत सिंह सांडू को कि आप आइए, आप अगर हम लोग के साथ साइन करेंगे तो आप हमारे मेन टीम का फर्स्ट चॉइस गोलकीपर रहेंगे। एंड क्या उसको उनका प्लान था कि जनवरी में हम लोग अप्रोच करेंगे एंड फरवरी तक गुरप्रीत सिंह सांडू को लेके आने की कोशिश करेंगे हमारे क्लब के ऊपर। लेकिन वहां पर गुरप्रीत सिंह सांडू के पास बहुत सारे ऑप्शन है एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है कंसिडर करने के लिए, जैसे कि भाई उनको पता था कि भाई अगर मैं जाता हूं तो वहां पर जो भी जनवरी फेब था, तो आप सभी को पता है कि बेंगलुरु FC प्लेऑफ्स में थी, फिर उसके बाद इंडिया के तीन तीन मेन टूर्नामेंट्स आने वाले थे, तो ट्राई नेशन टूर्नामेंट, फिर ICC
फिर सैफ कप, तो इसलिए उन्होंने ये कंसिडर किया कि अगर अगर समझो मैं चला गया तो ड्यू टू नॉन फीफा डेज, मतलब फीफा नॉन ड्यू टू नॉन फीफा डेज, तो वो मिस कर सकती है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने ये ऑफर को ठुकरा दिया एंड साइन किया था 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट टिल 2028-29 विद BFC एंड GS। यहाँ पर अगर बात करो कि क्यों रिजेक्ट कर लिया, अभी यहाँ पर समझो कोई बड़ी क्लब रहती, नो डिसरिस्पेक्ट टू स्टेबैक FC, लेकिन अगर कोई सबसे बड़ी क्लब रहती ना तो मैं बोलता कि यार चलो यार चले जाता, लेकिन यार अभी एक बार खेल चुका है वो क्लब के लिए, तो फिर से क्यों जाना नया? अगर कोई दूसरा नया क्लब रहता तो मैं बोल सकता था कि हाँ चलो ठीक है चला गया तो अच्छी बात है, बट यस यहाँ पर पाजी ने सही किया भाई, एंड ऑब्वियसली पाजी की वजह से हमने टूर्नामेंट जीता ये सैफ का पेनल्टी शूटआउट में, तो चलेगा यार। मैं तो मेरे तो इसमें कुछ है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार क्यों नहीं गया। तो यार मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके क्या थॉट्स है ये क्या गुरप्रीत सिंह सांडू का जो ऑफर रिजेक्ट किया उसके ऊपर, एंड इगोर सिमाच हैप्पी नहीं है विद AIFF, तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है, डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा, बाय, टेक केयर, एंड इसी की तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।